अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, यह है लिटमैन का कार्डियोलॉजी फोर टेलीस्कोप और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल का बटन दबाइए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, आज जो हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो एक नया ये जो स्टेथोस्कोप है, ये कार्डियोलॉजी फोर है लिटमैन का, और ये इस वक्त का जो आज जिस अभी वीडियो बन रही है उस वक्त ये इस वक्त सबसे बेहतरीन जो कार्डियोलॉजी सीरीज़ में जो अंडरस्टूड सी बात है कि जो कार्डियोलॉजी सीरीज़ होती है लिटमैन की उसकी आवाज़ बेहतरीन होती है। तो ये लेटेस्ट फ़ोन है, लेटेस्ट स्टेथोस्कोप है कार्डियोलॉजी फोर, और उसकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो थोड़ा सा बता दूँ कीमत इसकी, डॉलर की वजह से कीमतें थोड़ी राइज़ हुई हैं इसकी, तो इसकी कीमत तकरीबन डिपेंड करता है आप ले कहाँ से रहें, कहीं आपको ना 26,000 से लेके और 28,000 के बीच में रेट्स मिलते हैं इसके। मुझे ये मिला था तकरीबन 27,000 रुपये का, और 1,000 रुपये में इसमें जो मैंने अपने नाम लिखवाया था वो भी अगर 500-1,000 रुपये में ले देते हैं वो, तो मुझे 1,000 रुपये लगे थे बीच में। तो लिटमैन कार्डियोलॉजी फोर की कीमत तकरीबन 27,000 रुपये है, 3M वालों का है। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जो इसका आप जैसे यह देख रहे हैं यहाँ पे इसका नीचे लिखा हुआ है, ये इसका बार कोड है, उसको आप जो करेंगे किसी भी बार कोड स्कैन करेंगे तो ये एग्जैक्टली सारा डिटेल देना शुरू कर देगा कि ये लिटमैन है, कार्डियोलॉजी फोर है, सब कुछ है बीच में। और जो बहुत सारे कॉम्बोज आने शुरू हैं, अब ये वाला आप मेरा देख रहे हैं कि मेरा ये शैम्पेन फिनिश का चेस्ट पीस है और ब्लैक ट्यूबिंग है, ठीक है ना, तो ट्यूब ब्लैक है, और इसके अलावा जो उसका जो लोहे का पार्ट है वो भी सारा ब्लैक है, यानी एंडोडाइज्ड ब्लैक है जिसका मेटल एरिया वो वाला, और जिसका ये जो बेल वाला एरिया है ये जो है ना वो शैम्पेन कलर में नकली बनते हैं। मगर आप इनका बॉक्स देख लीजिए, इनका नया बॉक्स है लिटमैन वालों का, जो मेरा ख्याल मैंने 2016 के बाद चेंज किया है, तो इस तरह के ही आते हैं। लाल रंग का है ये वाला इसका बॉक्स, कार्डियोलॉजी फोर्स लिखो 3M लिखा होगा, साइड पर उन्होंने आपका वही लिखे हुए 3M लिटमैन, स्नैप टाइट फिट सीलिंग ईयर टिप्स लार्ज एंड स्मॉल इंक्लूड इन द बॉक्स क्या क्या है, एंड बेल स्लीव नोकल जो चीज़ें इसके अंदर हैं, लिटमैन की स्टेथोस्कोप की नोकल बेल स्लीव भी है, यानी जो करीब करके दिखा दूँ बल्कि जूम कर लेते हैं, तो उसके अंदर एक तो ईयरफोन जो लगे हुए हैं ईयर टिप्स लगे होंगे वो स्मॉल या लार्ज लगे हुए होंगे, एक अलग से दिया हुआ होगा, और एक जो रिम है इसका एंड का उसके लिए बेल स्लीव का रिम है। 7 ईयर वारंटी है फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, आपको रसीद संभाल के रखनी पड़ेगी। बाकी उन्होंने लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग एक्यूस्टिक परफॉर्मेंस, सिंगल पीस ट्यूनेबल डायफ्राम, इजी टू क्लीन, सिंगल पीस ट्यूनेबल, वर्सेटाइल एडल्ट एंड पीडियाट्रिक साइड्स, दोनों बच्चों को और बड़ों को देख सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्गर लाइफ ट्यूबिंग, ड्यूअल ल्यूमन ट्यूबिंग, इसकी आवाज़ ठीक रहती है बीच में। ऊपर इन्होंने वही लिटमैन का दिया हुआ, जर्मनी का है, और साथ बाकी जो उसकी एड्रेस वगैरह दिए थे USA में, और उसके वो दिए हुए हेल्थ केयर वगैरह के। इस वही साइड पे पीडियाट्रिक साइड कंटेन्स सॉफ्ट बेल लिखा हुआ है इन्होंने बीच में, तो कवर्ड है बीच में, मगर इसमें डायफ्राम लगा हुआ, उतार से डायफ्राम को बाद में। लाइट वेट क्लासिक कार्डियोलॉजी स्कोरिंग की हुई, लाइट वेट में स्कोरिंग इसकी एक्यूस्टिक परफॉर्मेंस की 6 है, क्लासिक है डिज़ाइन इसका 7-8 है, यानी जो लाइट वेट वाला होता है स्टेथोस्कोप उसकी एक्यूस्टिक परफॉर्मेंस 6 होती है, क्लासिक जो सीरीज़ है उसकी 7-8 एक्यूस्टिक परफॉर्मेंस होती है, कार्डियोलॉजी की आप देख रहे हैं 9-10 है एक्यूस्टिक परफॉर्मेंस, वो जो मैंने बहुत पहले की अनबॉक्सिंग की हुई इलेक्ट्रॉनिक की उसकी 10+ है एक्यूस्टिक परफॉर्मेंस। तो ये जो मैनुअल में सबसे अच्छी आवाज़ इन लोगों की होती है, इसके बाद जो बेस्ट तरीन आवाज़ होगी वो इलेक्ट्रॉनिक वाले की होती है। नीचे मैंने आपको दिखा दिया था, विल जस्ट फोकस बैक अप, दोबारा अनबॉक्सिंग सब चलते हैं, बॉक्स खोलते हैं ऊपर से। ये मेरी रसीद पड़ी हुई है, ये मैंने रसीद रखी हुई साहब बीच में कि वो वारंटी वगैरह के लिए, अभी देख सकते हैं ये स्टेथोस्कोप है। साथ इसके 2018 में इन्होंने शुरू किया कि ये सिर्फ एयर टिप्स जो एक लगा हुआ होगा जिसके अंदर लगा हुआ है एक को साथ देंगे और ये बेल का वो देंगे, पहले होते थे कोर सख्त से ग्रे कलर के दिया करता है टिप्स, वो अब साथ नहीं देता, ये 2018 में इन्होंने चेंज किया है। अब उससे पहले की बॉक्सिंग देखेंगे उसमें आपको पड़े होंगे एक और एक्स्ट्रा डार्क वाइट कलर ग्रेश कलर के सख्त से ईयर टिप्स होते हैं, मगर वो अब नहीं देता साथ। इसके अलावा इसके अंदर स्टेथोस्कोप के अलावा यूज़र मैनुअल है इसकी,
जो सारी गैस में हम किस तरह क्लीन करना है, किस तरह संभाल के रखना है, ये इसकी यूज़र मैनुअल है, साथ दी भी उन्होंने, गैस के साथ होती है। और अब हम स्टेथोस्कोप के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम इसको जूम को ठीक कर लें, ये स्टेथोस्कोप बड़ा अच्छा इसके अंदर लगा। आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो है ये इसके लार्ज वाले हैं टिप्स, इन्होंने साथ लगाए, मैंने शॉर्ट वाले स्मॉल वाले साथ दिए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ये जो मेटेलिक एरिया होता है ये भी जो है ना एंडोराइज्ड ब्लैक लिया है मैंने, ताकि एक अच्छी लुक दे, डिफरेंट लुक किस्म देता। तो ये थ्रू आउट ब्लैक आता है बीच में। एंड कमिंग डाउन बैक टू द बेल जो है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बेल जो है, मैं इसको जूम कर लूँ उसके ऊपर, तो ये बेल आप, बल्कि बहुत ज़्यादा जूम हो गया, तो आप करीब से आप देख सकते हैं कि ये शैम्पेन कलर की है, सिल्वर शैम्पेन नहीं, इसे गोल्डन कहते हैं ना, लाइट गोल्डन शैम्पेन से कलर कहते हैं। और ये मैंने, अगर आप देखें तो उसमें मैंने अपना नाम इसमें ये लिखवाया हुआ है अपना, ये डॉक्टर काशिफ अजीज़ अहमद ने इंग्रेव किया हुआ है इसके अंदर। बाकी जो ओरिजिनल इंग्रेविंग होती है उसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा होगा 3M लिटमैन कार्डियोलॉजी 4 ट्रेडमार्क, फिर CE जो सारा USA का होता है बीच में वो लिखा हुआ है। ये इसका साइड से व्यू देख लें, दोनों तरफ इसके डायफ्राम है, इस वाले में आप इस वाले को उतार भी सकते हैं, और ये जो रिंग साथ दिया हुआ है ये आप लगा लेंगे तो ये बेल के तौर पे काम करना शुरू कर देगा। और जो अब जो नए रिम आते हैं, आपको पता है इनका, कि बीच में पहले वो होता था कि एक पट्टी होती थी उसके अंदर रिम अलग से, यानी नीचे अंदर चढ़ा होता था ये एलिटमेंट का रिम, उसके ऊपर एक पट्टी लगती थी। अब ये पूरा एक पीस होता है, आप देख सकते हैं कि सारा डायफ्राम एक सिंगल पीस है, यूँ आप देखें सारा सब उतारेंगे तो सारा सारा एक साथ उतरेगा, कोई वो एक रिम उतर के और अंदर से ये अलग डायग्राम अलग नहीं उतरेगा, डायफ्राम अलग नहीं उतरेगा, ये पूरा का पूरा उतरता है सेम हेयर। तो ये शैम्पेन कलर था, मैं इसको पीछे करके दिखाता हूँ आपको, तो इसको बोल के हटा दें ताकि आपको देखना है तो शक्ल आराम से देख लें। तो ये स्टेथोस्कोप है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ जो है, यानी एंड्रॉइज ब्लैक है साथ ये वाला टिप्स हैं, सारा ब्लैक ब्लैक आती आती, और एक ये जो है गोल्डन कलर का एक शैम्पेन गोल्ड जिसे कहते हैं वो बेल आया था बीच में। तो एज अ परफॉर्मेंस मैंने यूज़ किया हुआ है, इट्स वंडरफुल टू पिक अप हार्ट साउंड, इट्स वंडरफुल टू पिक अप मर्मर्स एंड स्प्लिट्स वगैरह जो आपकी होती हैं, उसकी आवाज़ की तो बात ही अलग है। तो ये मेरी अनबॉक्सिंग थी लिटमैन कार्डियोलॉजी 4 शैम्पेन विद एंडोडाइज्ड ब्लैक ट्यूबिंग के साथ। वीडियोस देखते रहिएगा, हम तकरीबन जल्द 10,000 तक पहुंच जाएंगे, 10,000 मैंने गिव अवे करना है, तो मैं अगली वीडियो से बताऊंगा हमने गिव अवे में क्या देना, अभी तो हम काफ़ी पीछे हैं, तकरीबन 200 बंदा पीछे हैं। तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोज़ का लाइक बढ़ाइए, और इस वीडियो की मैं कोशिश करूँगा, मुझे दोबारा जब भी मैं स्टेथोस्कोप की वीडियो बनाता हूँ तो मुझे हमेशा एक लोगों की तरफ से वो आता है कि इसको इंग्लिश में भी बनाए, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी इंशाल्लाह इसी को ही डबिंग करके बनाऊँगा। तो वीडियो देखते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।